जिलाधिकारी सैमुअल पाल की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। सुबह शुरू हुई जनसुनवाई में जिलाधिकारी के आने से पहले जहां इक्का दुक्का फरियादी पहुंच रहे थे, वहीं 12:18 पर जिलाधिकारी के पहुंचने के बाद फरियादियों की लाइन भवन के बाहर पहुंच गई। सभागार में पहुंचे जिलाधिकारी ने बेतरतीब खड़े फरियादियों की अलग लाइन लगाने का आदेश दिया। 12:38 पर पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा भी सभागार में पहुंच गए। मोहम्मदपुर ओदरपुर की महिला सुनीता जिलाधिकारी के समक्ष रो पड़ी। उसने बताया कि बंटवारे के 1990 में पट्टा युक्त जमीन मेरे हिस्से में आई, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की धनराशि दी। 2 माह पहले छप्पर युक्त मकान को गिराकर जैसे ही निर्माण शुरू किया गया, प्रधान और लेखपाल ने सरकारी जमीन कहकर रोक दिया, दूसरे के घर में शरण ली। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष जैतपुर को प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराने का निर्देश दिया। इस कड़ी में वाजिदपुर के पहलवान ने 4थी बार और छाछू मोहल्ला के दिलीप गुप्ता 40वीं बार रास्ता पर रखी गई ईंट हटाकर रास्ता खाली कराने की शिकायत की। वहीं हैसवापुर के कमला प्रसाद बीते 3 वर्षों में लगभग 25 बार रुदौली अदाई निवासी कमलेश शर्मा ने 14वीं बार प्रधानमंत्री आवास सूची से नाम काटने, प्रधान गौरा कमल दीपचंद यादव ने आम रास्ते का अतिक्रमण की शिकायत की, इस तरह की तमाम शिकायतें की गई। वहीं टोटल 190 शिकायत आई, मौके पर 5 शिकायत निस्तारित कर दिया गया, बाकी के लिए टीम गठित कर दी गई है। कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत कुल 10 गरीब महिलाओं को ठंड से बचा के लिए कंबल प्रदान किया गया।